तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फेस को कैसे फुल HD में स्मूथ करेंगे और देख लीजिए अपने पिक को फुल HD में कैसे सेव करेंगे, सब इस वीडियो में मैं आप लोग को बताया हूँ। और आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा दोस्तों, तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आएगा। सबसे पहले चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस सिंपल पिक को ले लीजिएगा और इस सिंपल पिक को LR में ओपन कर लेना आप लोग को। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग LR में चले जाएंगे यहाँ से। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप लोग को देख लीजिए लाइट लिखा है यहाँ पे, उस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स आप लोग को। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, कंट्रास्ट को कम करना है, हाईलाइट को फुल कम कर देना आप लोग को, शैडोज को फुल बढ़ा देना है और वाइट्स को फुल कम कर देना है और ब्लैक्स को थोड़ा सा कम करना है। उसके बाद आप लोग को कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है फ्रेंड्स। कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद आप लोग को टिंट बढ़ा देना है इसके करीब। उसके बाद आप लोग को वाइब्रेंस से आना है 70 के करीब बढ़ा देना आप लोग को, इसका सेचुरेशन हल्का सा कम कर देना आप लोग को। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को मिक्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। मिक्स पे आने के बाद आप लोग को ग्रीन पे आना है। ग्रीन पे आने के बाद आप लोग इसका ह्यू पूरा -100 तक कर दीजिएगा, सेचुरेशन भी -100 तक, ल्यूमिनेंस को फुल बढ़ा देना है 100 तक। उसके बाद आप लोग को येल्लो पर भी आना है, येल्लो का भी ह्यू -100 तक रहेगा, उसका सेचुरेशन भी -100 तक, ल्यूमिनेंस फुल कर देना है। उसके बाद आप लोग को ऑरेंज वाले ऑप्शन पे आना है। ऑरेंज पे आने के बाद आप लोग इसका सेचुरेशन हल्का सा कम और ल्यूमिनेंस फुल कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को रेड वाले ऑप्शन पे आना है फ्रेंड्स। रेड पे आने के बाद आप लोग इसका सेचुरेशन हल्का सा बढ़ाइएगा, ह्यू को थोड़ा सा कम कर देना है, ल्यूमिनेंस हल्का सा बढ़ा देना है। उसके बाद इसको डन कर दीजिएगा। डन करने वाला फ्रेंड्स आप लोग को इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, नीचे देख लीजिए। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, क्लियरिटी इसका बढ़ा देना है और इसका विजनेट थोड़ा सा कम करना है आप लोग को, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस पिक को सेव कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अपने फेस को स्मूथ करने के लिए ऑटोडेस्क ओपन करेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स आप लोग को सबसे पहले ऊपर जाना है, देख लीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद हम लोग स्मज वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग को ए वाला ब्रश ले लेना है और उसका सेटिंग आप लोग देख लीजिएगा, उतना ही आप लोग रखिएगा। फ्लो को देख लीजिए और स्ट्रेंथ को देख लीजिए आप लोग। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, अगर नीचे क्लिक करके देख लीजिए यहाँ पे, नीचे इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग ब्रश का साइज अपने हिसाब से यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग जूम कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद नीचे क्लिक करने के बाद आप लोग देख लीजिएगा हम लोग ब्रश का साइज घटा बढ़ा लेंगे, देख लीजिए ब्रश का साइज। तो फ्रेंड्स हम लोग ब्रश का साइज छोटा करके अपने फेस को बढ़िया तरीके से स्मूथ करेंगे धीरे धीरे, आप लोग जल्दबाजी मत करिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए, हम लोग जल्दी जल्दी फेस को स्मूथ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अपने फेस को यहाँ देख लीजिए स्मूथ कर लिए हैं। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस पिक को हम लोग सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस पिक को सेव करने के बाद हम लोग स्नैपसीड में इसको ओपन करेंगे फेस को बढ़िया से एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर टूल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को सेलेक्टिव पे जाना है। सेलेक्टिव पे जाने के बाद आप लोग फेस पे कुछ इस तरह से रख लीजिएगा और इसका स्ट्रक्चर आप लोग को कम करना है, सेचुरेशन
कंट्रास्ट इसका थोड़ा सा, सेचुरेशन ब्राइटनेस हल्का सा बढ़ा दीजिएगा और सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना आप लोग को, देख लीजिए। उसके बाद आप लोग नीचे क्लिक करके हैंड पे इसको रख लीजिएगा और इसको ब्राइटनेस हल्का सा बढ़ा लेना है आप लोग को, और इस पिक को आप लोग देख लीजिए आफ्टर बिफोर करके। उसके बाद हम लोग इसको डन कर देंगे यहाँ से। नहीं फ्रेंड, टूल्स पे क्लिक करना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को ब्रश पे जाना है लिप्स को रेड करने के लिए।